हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होगे एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। सो गाइस, फाइनली ब्रांड न्यू वीडियो आ चुकी है। एंड गाइस, इस वाली वीडियो में मुझे किसी अननोन बंदे ने कर्ज दे दिया है एंड उस कर्ज का असर बहुत ही भयानक हो चुका है मेरे ऊपर। एंड आप इस वीडियो में देखोगे कैसा असर हुआ मेरे ऊपर। अगर आपको भी देखना है तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं डेजर्ट में घूम रहा था एंड मुझे भी नहीं पता मैं क्यों घूम रहा था। एंड मुझे बहुत ही तेज़ प्यास लग रही थी एंड वो बात अलग है, यहाँ पे बहुत सारा पानी था बट मैं सिर्फ मिनरल वाटर पीता हूँ, आप सभी जानते होंगे। तभी मुझे वहाँ पे चेस्ट दिखाई दी, मैं भागता हुआ उस चेस्ट को लूटने के लिए गया। एंड चेस्ट लूटने के यार भी मुझे यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी दिखाई दिया जिस पे लिखा था डोंट टच। एंड भाई, ये देख के यार मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ। मैंने सोचा माइनक्राफ्ट का स्टीप प्रो एक साइन बोर्ड से डरने वाला था ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आप सब जानते हो क्या किया मैंने, मैंने उस साइन बोर्ड को तोड़ दिया। एंड भाई, ये तोड़ना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि प्रो स्टीव के लिए यार ये बहुत ही शर्म की बात थी। फिर मैंने चेस्ट खोली एंड चेस्ट में भाई बहुत ही ओपी लूट थी, बट यार मैं बहुत ज़्यादा शरीफ था एंड मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी तो मैंने मिनरल वाटर की बॉटल उठा ली अपनी इन्वेंट्री में रख ली। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको पी लिया। मैंने उस वाटर बॉटल को पी तो लिया था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको पीने का मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अचानक थोड़ा आगे जाने के बाद मेरी पूरी स्क्रीन ब्लर होने लगी एंड पूरा काला पर्दा मेरी स्क्रीन पे छा गया। एंड ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। फिर जैसी ब्लैक स्क्रीन हटी मैंने अपने आप को अलग बायो में पाया। एक सेकंड में ये कहाँ पे आ गया, हेलो, अरे भाई मैं तो आइस बायोम में आ चुका हूँ यार, डेजर्ट बायोम से डायरेक्ट आइस बायोम में। भाई बहुत ही बढ़िया, भगवान ने मेरी फरियाद सुन ली, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे एंड भरपूर पानी पीऊँगा। भाई 3 दिन से बिना पानी के रह रहा था, अब मैं थोड़ा जी सकता हूँ शांति से। एंड यार भाई, बियर सामने है तो इससे थोड़ा मिल के आते हैं। हेलो बियर, मेरा पहला फ्रेंड। हाँ भाई, इतना भाई ऐसे मत मार यार, मैं तो फ्रेंड बनने आया था, तो ये नहीं बनना तो बोल देना, मार क्यों रहा है, चलो क्या कर सकते हैं, वो फ्रेंड नहीं बनना चाहता। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यार, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया, आप देख सकते हो, एंड साथ में उसका बेबी भी आया है एंड मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। एंड भाई, यहाँ तो भीड़ लग गई थी इसलिए मैंने अपने आप को बिल्डअप कर लिया है, वरना यार सबको ऑटोग्राफ देना पड़ता है। एंड फाइनली 1 घंटे के बाद सब भाग चुके हैं। एंड तुम्हें पता है यार, इमरान ऑफिशियल गेमर कितना ही ज़्यादा पॉपुलर है। एंड मैंने सोचा खाली मैं दूंगा तो 2 लोगों को ही ऑटोग्राफ दूंगा, एंड ये है हमारे लकी पर्सन जिनको हमारा ऑटोग्राफ फ्री में मिलता है। एंड अगर आपको भी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, जाके जल्दी जाओ। तो फाइनली यार, अपने फ्रेंड को ऑटोग्राफ देने के बाद मेरे यार हर्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। एंड भाई, यहाँ पे शीप, हेलो भाई कैसे हो, आपको बनना पड़ेगा, हेलो, ये क्लिक कर रहा है भाई, व्हाट द हेक, कुछ तो हो रहा है। एंड भाई, यहाँ पे श्राप का सर होने लगा, भाई खुद मुझे बचा लो यार, कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। एंड यहाँ पे मेरे हर्ट भी बहुत कम है यार, मैं मर ना जाऊँ, श्राप से तो मैं बाद में मरूंगा, फूड से ज़्यादा मर जाऊँगा, तो मैं पहले फूड खा लेता हूँ। एंड मैंने फूड खा लिया है, यहाँ पे मुझे कुछ तो हो रहा है भाई, श्राप का असर बहुत तेज़ी से फैल रहा है मेरे अंदर यार। मुझे वो वाटर बॉटल नहीं पीनी चाहिए थी, मैंने क्यों पी ली भाई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अब। एंड यहाँ पे फिर से कुछ हुआ, भाई यार ये मेरे से बचा लो यार, मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड यहाँ पे फिर से कुछ आ गया, भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है इस समय। एंड यहाँ पे शीप की शक्ल क्यों आ रही है, एक बार मुझे कोई बताएगा, हेलो ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो हो जा भाई, एंड क्या होने वाला आगे। एंड यहाँ पे कुछ हुआ भाई, मेरी शक्ल कुछ बदली बदली सी लग रही है मुझे, मेरा भार लग रहा है मेरे शरीर में, एंड कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं शीप बन चुका हूँ, व्हाट द हेक, कैसा कर्ज दे दिया मुझे भाई ये, मैं शीप कैसे बन गया, हेलो कोई मुझे बताएगा क्या। हेलो भाई यार, एक वाटर बॉटल पीने के बदले इतनी बड़ी सजा भाई, ये तो भाई, अरे भाई एक और फैन मिलने आएगा, चलो हेलो, अरे शायद ये मुझे पहचान नहीं रहा है गाइस, मुझे कुछ पहचान नहीं रहा है ये मुझे। एंड व्हाट द हेक भाई, मैं मर गया, व्हाट लॉल। एंड यार वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था, कोई बात नहीं यार, वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन था, आप जानते नहीं हो बहुत बड़ा फ़ैन था वो। एंड यहाँ पे मैं किसी की भी आइडेंटिटी ले सकता हूँ, मीन इसका मतलब यही होने वाला है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से चलने के बाद ग्रास वाले एरिया में आ चुका हूँ यार, वो ठंड वाला एरिया भाई बहुत ही खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था। एंड यहाँ पे देखो भाई, विलेज आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया, मैं ट्राई करता हूँ, मेरा वर्क करेगा नहीं। एंड यहाँ पे ये थोड़े मुझे भूख लग रही है तो मैं थोड़े से पोटैटो तोड़ लेता हूँ, एंड पोटैटो तोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा खाना भी खा लेता हूँ अभी, ठीक है। तो फाइनली मेरा खाना पीना हो चुका है एंड सामने भाई मुझे विलेजर दिख रहा है, हेलो भाई क्या मैं आपकी शक्ल चुरा सकता हूँ, हेलो, आयरन गोलम चचा यहाँ पे है नहीं, चलो भाई आपको थोड़ा बात करनी है, साइड में आएंगे थोड़ा। एंड भाई जा कहाँ, रुको 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 भाई, आयरन गोलम को मत बता देना, बहुत मारेगा मुझे वो, जल्दी से अपनी शक्ल मुझे दे दो यार, जल्दी से मुझे काम है बहुत सारा। अरे भाई जल्दी से मर जाए यार, बहुत टाइम है। अरे भाई फाइनली मर चुका है, एंड यहाँ पे कुछ तो लिख कर आया है, एंड यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करता हूँ मैं, एंड कहाँ रहा वो। एंड भाई यहाँ पे आप देखते हो भाई, उसकी शक्ल आ गई, मतलब मैं बन सकता हूँ वो, एंड मैं बन चुका हूँ फाइनली। शर हम हैं विलेजर, स्वागत है आपका इस वीडियो में, एंड मेरी शक्ल सबसे अलग की है भाई। एंड एक सेकंड, मैं खुद से ट्रेड भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं भंगारी बेचने वाला हूँ, ये मुझे भी पता है, आपको ठगना है तो मेरे पास आ जाना। एंड भाई ये मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। एंड सामने ही भाई मुझे आयरन चचा भी दिख गए हैं, तो इनका भी वही काम होने वाला है जो विलेजर का हुआ था। हेलो, अब तो आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा, हेलो आपको कौन बचाएगा। अब मैं स्पीड तेज कर देता हूँ भाई थोड़ी, बहुत टाइम लेता है मरने के लिए। एंड फाइनली मैंने यार स्पीड कर दी है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कितना इसको टाइम लगता है मरने के लिए। भाई जल्दी से मर जा, मुझे तेरी आइडेंटिटी चाहिए। एंड
फाइनली हमारे आयरन चचा भी मर चुके हैं। एंड सामने भाई जॉम्बी क्यों आ रहा है भाई, हेलो तू जल जाएगा भाई, भाग जाए यहाँ से, खाली मुझे तेरी आइडेंटिटी भी लेनी पड़ेगी। एंड एक सेकंड, क्या मैं जॉम्बी बनूँ तो जितने भी जॉम्बी लोग होंगे वो मुझे मारेंगे क्या, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। एंड इसको मारते हैं। एंड भाई ये घास फूस बीच में आ गई भाई, मुझे लग रहा है मुझे मरवा के रहेगी, मेरे हार्ट भी बहुत कम है। अरे भाई भाई तीन तीन आ गए भाई, भागो। अरे मैं, चलो मुझे जॉम्बी का मोड मिल गया, अब चलो भाग लो यहाँ से। एंड मैं सिर्फ यहाँ पे आयरन गोलम बन जाता हूँ, देखते हैं क्या हमें उसकी पावर मिलेगी। एंड ये पीछा क्यों कर रहा है भाई, भागो यहाँ से। एंड यहाँ पे देखते हैं आयरन गोलम की आइडेंटिटी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये रहा, अरे भाई ये है यहाँ पे, है रुको। अरे एक सेकंड, ये क्या हो गया, बैग उसको आयरन गोलम पेता हूँ एंड बन जाता हूँ आयरन गोलम। एंड यहाँ पे मेरे हार्ट देख सकते हो भाई, क्या ओपी हार्ट है मेरे। एंड एक बार इसको देखते हैं मार के। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, हेलो भाई। अरे भाई मज़ा आ गया मुझे तो, इसकी पावर भी मिल गई। एंड भाई बड़ा खतरनाक है यार हमारे आयरन चचा तो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड भाई इसकी हालत देखो भाई, मर गया फाइनली। एंड यहाँ पे गाइस आप मेरी शक्ल देखते हो, मैं कितना बड़ा हूँ। एंड मेरे हाथ देखो भाई कितने तरीके से जूम हो रहे हैं भाई, चमगादड़ उड़ रहा है। इसको भी हम मारेंगे, देखते हैं क्या हम उड़ पाएंगे इसके अंदर। लेकिन मुझे सबसे पहले कोई मॉब की आइडेंटिटी लेनी है। एंड यहाँ पे सामने क्रीपर है तो आप सब समझ गए होंगे हमें क्रीपर को मारना है। एंड भाई क्रीपर देखो भाई कितना ही ऊपर गया। एंड रुको एक सेकंड, मैं अंदर नहीं जा पा रहा। अरे भाई मैं फट गया, शिट। एंड यार मेरी शेयर कद बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं नहीं जा सकता अंदर। एंड बहुत ज़्यादा सैड बात है, मैं क्रीपर की आइडेंटिटी नहीं ले सकता। एंड ये क्या भाई, सामने मुझे एक और क्रीपर दिख रहा है। एंड उस क्रीपर के साथ हम क्या करने वाले हैं वो आप सब भी जानते हो। लेकिन यार ये ब्लॉक नीचे लग गया है, मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। एंड यार ये तो टूट ही नहीं रहा है। एंड सामने क्रीपर खुद ही आ रहा है तो इसको हम एक बार मारते हैं। अरे भाई देखो कितना ऊपर गया भाई, दीवारों के आर पार चला गया यार ये तो। लेकिन वो वापस क्यों नहीं आ रहा है, शायद इस बार भी किस्मत हमारी बुरी थी। चलो कोई। एंड रुको रुको भाई, यहाँ पे क्रीपर का मॉर्फ मैंने मिल गया। एंड मुझे भी नहीं पता कैसे मिल गया भाई वो। चलो कोई बात नहीं, अब हम तहलका मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एंड कहाँ पे हमारा भाई क्रीपर, ये रहा हमारा क्रीपर। एंड फाइनली हम बच चुके हैं क्रीपर। एंड अब हम किसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई, मेरे पास एक वेपन क्रीपर का जिसका नाम है एक्सप्लोरर। एंड यहाँ पे हम बन चुके हैं क्रीपर। एंड मेरे पास एक्सप्लोर नाम का एक वेपन जिससे मैं किसी के पास भी जाके फट सकता हूँ। एंड रुको यहाँ पे कैट पास में है और मुझे उसकी सारी पावर भी मिल गई है। एंड बीच में इनके काम में दखलंदाजी करते हैं, ये हो गया काम। एंड रुको एक सेकंड, मैं स्टीव कैसे बन गया, प्रो स्टीव, मुझे दोबारा क्रीपर बनना पड़ेगा। कहाँ है हमारे क्रीपर, ताऊ ये रहे हमारे क्रीपर। तो दोबारा क्रीपर बन जाते हैं एंड एक्सप्लोर होने के लिए बिल्कुल तैयार भाई, बहुत ही मज़ा आता है क्रीपर में। एंड रुको एक भाई ब्लेजर भाग जाए यहाँ से, मैं तेरी काम तमाम कर दूंगा। एंड सामने और ब्लेजर हैं जिनको परेशान करते हैं ये, मज़ा आ गया बिल्कुल। एंड मैं यार बार बार स्टीव बन जा रहा हूँ। एंड वो बच्चे यहाँ से निकल जा, तू भी, तुझे भी मैं फोड़ डालूंगा। एंड मेरी तरफ मत देख ऐसे, मैं बहुत शरीफ हूँ भाई। जिसने भी कर्ज दिया ना मुझे भाई, थैंक यू यार, इतना मज़ा मुझे आज तक नहीं आया। लेकिन यार मुझे अभी पूरा मज़ा लेने के लिए किसी फ्लाइंग एनिमल को पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली मैंने एक छोटे बैट के बच्चे को पकड़ लिया है। एंड उसके माँ बाप से मैंने 2 करोड़ रुपये मांगे हैं, अगर उसने नहीं दिया तो उसके बच्चे का काम तबाह मैं कर दूंगा। तो अब थोड़ी देर वेट करते हैं उसके मम्मी पापा का कॉल आता है या नहीं आता है। एंड फाइनली इसके मम्मी पापा का कॉल नहीं आया, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा, सॉरी, अब तेरा क्या कर सकते हैं। एंड फाइनली मर चुका है। एंड भाई पुलिस में कंप्लेन मत कर देना, मजाक कर रहा था मैं, सीरियस मत हो जाना। हम बैट बन के निकलने वाले हैं यहाँ से। एंड मैं जल्दी से बैट की पावर ले लेता हूँ। एंड भाई बहुत ही मज़ा आया मुझे इस कर्ज में यार, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर दे। आपको मिल गया तो आप क्या करोगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना। तो हम बैट बन जाते हैं। एंड मैं फाइनली बैट बन चुका हूँ। एंड भाई रुको फंस मत, अरे भाई फंस गया ये, बाहर निकलो भाई, ये बहुत छोटा है यार, मैं सही से निकलना पड़ेगा। एंड मैं फाइनली निकल चुका हूँ। एंड गाइस मैं आपसे ऊपर मिलता हूँ, तो थोड़ी देर वेट करो, मैं ऊपर जल्दी से जाता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। एंड भाई मैं एक बार मैंने अपना मत्था फोड़ दिया था एंड मैं मर गया था एंड सारा सामान लॉस्ट हो गया। एंड लेकिन यार मैं बाहर आ गया हूँ। एंड यहाँ पे बैट बन के हम उड़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। एंड साथ में गाइस मुझे बहुत मज़ा आया इस मोड को खेलने के बाद। हाँ गाइस ये मोड ही था। एंड अगर आपको ये मोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।